शिव पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, वैसे ही युगों का परिवर्तन भी निश्चित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों को चार योग में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा, कि शिव पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके साथ सत्य भाषण में मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। पराये धन को हड़पने के लिए उनके मन की इच्छा दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। उनका मन पराये स्त्रियों पे आसक्त होगा और वो दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गरुड़, नास्तिक, पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, उनके लिए कोई सेवा भाव उनके मन में नहीं होगा। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। सभी क्षत्रियों में स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित और चौरे कर्म से जीविका चलाएंगे। वैश्य संस्कार, भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन, परायण तथा नाप तोल से अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वो अपना कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ घूमेंगे। अधिकतर लोगों के विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल होंगे और अगर धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान, वाद विवाद करने वाले होंगे, स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्वियोचित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो हमारा समाज कैसा होगा। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी अगर ऐसी अनसुनी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से ही अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हम पूरी जिंदगी इस कोशिश में लग जाते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा कब बनेगा या हमारे तरीके से जिंदगी कैसे जिएगा, जो कभी भी मुमकिन नहीं है। इसलिए आज से ही खुद को बदलें। जब खुद को बदलेंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए आज से ही अच्छी जिंदगी जिए, पुण्य कर्म करें, दूसरों की निंदा करना छोड़ दीजिए। अपने आप को सुधारेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई कथाओं के साथ। धन्यवाद।